బ్రదర్ షెఫీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి. ప్రియాంక రెడ్డి కా జో ఖతల్ హువా హైదరాబాద్ కే అందర్, యాక్చువల్లీ యే సారే హిందుస్తాన్ కే సారే హర్ ఇండియన్ ఆజ్ తక్లీఫ్ మే జో హాదసా హువా. దేఖియే ఆజ్ హమారా జో సోచ్ హై, ఇండియా ఇస్ మై కంట్రీ, ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. మేరీ బహన్ కా జో ఖతల్ హువా, బహుత్ తక్లీఫ్ మే హై పూరే ఇండియన్స్. तो एक्चुअली जो इंसिडेंट जो हुआ है ये किस वजह से हुआ, क्यों ऐसे हादसे हो रहे, आज इंडिया में अगर देखेंगे हर 30 मिनट्स में कहीं ना कहीं रेप इंसिडेंट हो रहा. ये सिचुएशंस क्यों इस तरह हो रहे, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, होने के बाद क्या करना चाहिए वो दूसरा सवाल है, होने से किस तरह रोकना चाहिए. आज हम ये प्रियांका रेड्डी का जो इंसिडेंट गौर करेंगे, जो चार नौजवान मिलकर जो भी उनका बुरी हरकत हुई, तो इसका मेन रीजन क्या है अगर देखेंगे, वो लोग उस टाइम पे शराब पी के थे, वो लोग शराब के नशे के अंदर वो लोग जो काम कर रहे थे उनको खुद पता नहीं था इस तरह का क्राइम को वो लोग कमिट कर लिए. तो शराब जो है बहुत बड़ा रीजन बन रहा है एक आदमी बुरा काम करने के लिए, क्राइम के लिए कमिट करने के लिए. तो इस चीज को हम रोकना चाहिए. और जहां जहां भी अब देखिए, यहाँ से हैदराबाद से करीब वरंगल के अंदर जो इंसिडेंट हुआ चंद महीने पहले, श्रीहिता के नाम के 9 महीने की छोटी सी लड़की को जो हादसा हुआ, वहां पर भी जो क्राइम करने वाला शराब पी के था, ड्रग एडिक्टेड था. तो मेन रीजन अगर देखेंगे, आज समाज के अंदर शराब है, ड्रग्स है और पोर्नोग्राफी है, पोर्न सेट्स हर आदमी के हाथ में है, स्मार्टफोन है, एक क्लिक के अंदर पोर्न सेट ओपन हो रहे. दुनिया में कई कंट्रीज है वहां पे पोर्न सेट्स ओपन ही नहीं होते, वो लोग देखना चाहे तो भी नहीं देख सकते. आज इंडिया में क्यों पोर्न सेट ओपन हो रहे, इसके ऊपर करोड़ों के पैसा कमाने वाले कौन है, क्या हमको ये जरूरत है शराब या ड्रग्स या पोर्न सेट्स, जब तक कि हम इसको बैन नहीं करेंगे, जब तक ये हादसे होते रहेंगे. देखें कहीं पे अगर आग है, आग है तो धुआं आएगा ही, जब शराब है, ड्रग्स है, क्यों ऐसे क्राइम्स नहीं होंगे, बराबर होंगे. तो आज हर हिंदुस्तानी, हर इंडियन सोचना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है ऐसे हालात के अंदर. हर आदमी सोचना चाहिए मैं मेरे समाज के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ. यहाँ जो ना हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम यहाँ पे भाई भाई बनकर हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जो खासियत है इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम कई कल्चर्स के लोग हैं, कई मजहब के लोग हैं, सब मिलकर भाई भाई बनकर हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हम किसी एक को तकलीफ हो रही तो दूसरों को तकलीफ होंगी. तो इस चीज में हम सब मिलकर हम आवाज उठाना चाहिए, ऐसे क्राइम को रोकने के लिए हम सब मिलकर कोशिश करना चाहिए. सर शफी साहब, मुसलमान की बहसियत मुसलमान और बहसियत हिंदुस्तानी, कितनी जिम्मेदारी है इस तरह की क्राइम्स को रोकने की? देखिए बहसियत मुसलमान, एज ए मुसलमान मैं, मेरा ईमान यह है कि सारे इंसान एक माँ बाप के औलाद है, आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है, एक हिंदू, एक मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग खूनी रिश्ते भाई बहन है. तो यह कुरान हमको सिखाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लुकुम बनी आदमा व आदमा मिन तुराब, एक इंसानो तुम आदम की औलाद है, आदम अल्लाह सुब्हानहू आदम को मिट्टी से बनाया. तो आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी इंसान है, हम सब भाई भाई है, खूनी रिश्ते भाई भाई है, आदम अलैहिस्सलाम का औलाद है. तो आज हमारी जिम्मेदारी इंसानियत के नाते पे है, हम इंसानियत के नाते पे हम आवाज उठा रहे कि ऐसे क्राइम रोकना चाहिए. आज इंसानियत खत्म हो गई जब एक आदमी दूसरे आदमी को खतल कर रहा. कुरान में अल्लाह सुब्हानहू बता दिया सूरह मायदा 32 आयत में, एक इंसान को खतल करना सारे इंसानियत को खतल करने के बराबर है, या एक इंसानियत को नहीं सारी इंसानियत खतल हो गई, हम इसको रोकने की जरूरत है. अगर हम एक इंसान को बचा लिए सारे इंसानों को बचाने के बराबर है. तो हमें इसको बचाने की हम कोशिश करना चाहिए. आज हर 360 डिग्रीज पे हमको चेंज लाने की जरूरत है. आज ये जो क्राइम कर रहे हैं इनका हिस्ट्री अगर देखेंगे, कहीं ना कहीं ये लोग स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, कहीं स्कूल जाते जाते बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, धीरे धीरे सिगरेट की आदत हो गई, गुटखा की आदत हो गई, शराब की आदत हो गई, क्राइम छोटा छोटा क्राइम करते आज बड़े क्राइम की तरफ आ गए. तो ये लोगों को रोकना चाहिए, हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है, इंसानों के हर इंसान की जिम्मेदारी है. मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके में अगर कहीं भी बुराई हो रही तो हम उसको रोके. छोटी बुराई को आज मैं रोक रहा हूँ, इसका मतलब है कल होने वाली बहुत बड़ी बुराई को मैं रोक सकूँ. तो मैं आज सारे इंसानों से, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे इंडियन से मैं अपील करना चाहता हूँ, भाइयों हम जागेंगे, हमारे समाज को हम बचाएंगे. हमारी जिम्मेदारी है कि समाज माने क्या है, इसी समाज में मेरा घर है, इसी समाज में मेरा बिजनेस है, इसी समाज में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं. अगर समाज अच्छा रहेगा तो मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे भी सुख रहेंगे, खुशी से रहेंगे. तो ये जो चीज़ है, इंडिया को अगर सही इंडिपेंडेंस, सही फ्रीडम तभी मिलेगा तब हर इंसान खुशी से बस सेफ्टी जिंदगी गुजार सकेंगे. तो मैं सारे लोगों को अपील करना चाहता हूँ, खास करके प्रियांका रेड्डी के घर पे मैं जो विजिट करा था कल, उनके वालिद से, उनके वालिदा से, उनके बहन भव्या से बात जब करा था, वो लोग इतने शॉक में हैं, वो लोग अभी
अभी भी भरोसा नहीं कर रही कि उनकी बेटी उनकी बहन का इंतकाल हो गया। वो लोग मानने के लिए तैयार है, ऐसा कहते हैं शक है या ख्वाब के जैसा वो लोग देख रहे हैं। इतना जो ख्वाब वो लोग समझ रहे हैं, उनसे जब बात करो वो लोग ये कह रहे हैं देखिए यहाँ पे हमारे को जो इंसाफ जो होना चाहते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जल्द से सख्त सजा मिले। चाहे अब दूसरी बात वो कह रहे कितना भी बड़ा सजा हो दो, वो चारों को अगर फांसी का सजा भी दे दे, मौत का सजा भी दे दे, हमारी लड़की तो वापस नहीं आएगी। लेकिन वो लोग क्या चाह रहे, ऐसा हादसा और कहीं भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आई विल बी मोर विजिलेंट। అంటే నేను ముందు అసలు ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేసేదాన్ని కాదు. అంటే మా నాన్న అనే వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అసలు నేను ఆలోచించేదాన్ని కూడా కాదు. బికాస్ ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ రియల్ లైఫ్. ఐ వాస్ నెవర్ విజిలెంట్. ఐ యూస్ టు బిలీవ్ ఎవ్రీబడి. ఐ యూస్ టు థింక్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఓకే, ఎవ్రీవన్ ఈస్ గుడ్. ఐ యూస్ టు బిలీవ్ ఇన్ ఎవ్రీవన్. ఐ యూస్ టు బిలీవ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఫైన్. ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పీపుల్ టు బీ సో క్రూయల్. हिंदुस्तान में फिर दोबारा कहीं भी ऐसा क्राइम नहीं होना चाहिए, वो लोगों का अपील है इसके लिए चेंज लाना चाहिए। इसमें हम सब मिलकर हम काम करेंगे, शौर पैदा करेंगे, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएंगे इसी काम को आगे लेके जाने के लिए। मिशन नेनु सैतम समाजम कोसम, नेनु सैतम समाजम कोसम माने मैं मेरे समाज के लिए के नाम से एक मिशन शुरू हुआ। मिशन में लोग सब मिलकर आगे काम कर रहे हैं। हम दावत देते हैं कि हम सब मिलकर हमारे समाज को बचाएंगे। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।